हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में। तो वीडियो है हमारा एडिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण, जिसके अंतर्गत मैं वो टॉपिक्स करा रहा हूँ जो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चंस इस प्रकार हैं कि क्या होता है जब हमको केवल इसका समीकरण देना है, ठीक है, इसके बारे में थ्योरी नहीं लिखना है, हमको केवल इसके समीकरण देना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसिटेट के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तब क्या होता है। देखिए कैल्शियम को हम इस तरीके से लिखेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को CaO C डबल बॉन्डेड OH इस तरीके से लिखा जाता है कैल्शियम फॉर्मेट को। कैल्शियम एसिटेट को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिए CH3 C डबल बॉन्डेड O, यहां पे OCA रहेगा, OCA, फिर है O C डबल बॉन्डेड O CH3, और जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा देखिए आपका CaCO3 बनाता है अधिकतर ये कैल्शियम फॉर्मेट जो है। तो इस तरीके से देखिए ये इतना CaCO3, और यहां पे देख लीजिए ये CaCO3, यहां पे CH3 C डबल बॉन्डेड O के साथ ये H जुड़ जाएगा, और यहां पे देखिए CH3 के साथ C डबल बॉन्डेड O H जुड़ जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा 2 times CH3 C डबल बॉन्डेड ओ एच और 2 times मिलेगा CaCO3। इस तरीके से बनाया जाता है इस अभिक्रिया को, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो है वो है एथाइन को 1% मर्क्यूरिक सल्फेट युक्त गर्म तनु 42% यानी कि 42% सल्फ्यूरिक अम्ल में जब प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए एथाइन को लिखते हैं हम लोग CH ट्रिपल बॉन्डेड CH, है ना। यहां पे देखो प्रवाहित करेंगे तो जो होगा अभिक्रिया वो है जल अपघटन HOH, है ना। यहां पे लिखेंगे 1% Hg मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और 42% डाइल्यूट, है ना, तनु डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसको और एक OH इसको, तो हमको मिलेगा देखिए इस तरीके CH2 डबल बॉन्डेड CHOH, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ बढ़िया से OH, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा डॉट और डॉट, ठीक है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे डॉट मतलब मुक्त मूलक बनाएगा, ठीक है, माइनस प्लस में नहीं तोड़ रहे हम इसको। तो देखो इन दोनों डॉट के बीच में देखिए ये क्या करेगा, आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, और कहने का मतलब यह है कि पुनर्विन्यास करेगा और यह बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्डेड O हो जाएगा, और हाइड्रोजन को लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड बना लेगा, है ना। फॉर्मेशन भी है ये, सॉरी निर्माण में भी आ जाएगा ये, रासायनिक गुण के साथ निर्माण के भी कुछ क्वेश्चन है, इसमें। अब देखो एसिटाइल्डिहाइड की अभिक्रिया जब टॉलिन अभिकर्मक के साथ कहेंगे तो ये रासायनिक गुण में आ जाएगा, ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है इसमें। एसिटाइल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलिन अभिकर्मक के साथ जब कराएंगे तो हमारा देखिए तीसरा है CH3 C डबल बॉन्डेड OH, ये एसिटाइल्डिहाइड है, टॉलिन अभिकर्मक होता है Ag2O, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये ऑक्सीजन यहां आके जुड़ जाएगा और ये बना देगा 2 times Ag, इसको बोलते हैं रजत दर्पण, दर्पण मिरर, ठीक है। और यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपका CH3COOH बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 3 आपके इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं चौथा और पांचवा की तरफ, उससे पहले मिटा लेते हैं हम, ये है फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का कराएंगे, फिर ध्यान से इसको नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स बनाना क्योंकि बहुत जरूरी है। अब देखिए आपका जो फोर्थ है वो है फिनॉल क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ अभिक्रिया करता है, फिनॉल, है ना। तो देखिए कैसे फिनॉल हम बनाएंगे, लिखेंगे, तो यहां पे है आपका देखिए फोर्थ, मैं लिख रहा हूं फिनॉल, इस तरीके से मैं लिखूंगा फिनॉल को OH, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म है ना CHCl3, तो इस CHCl3 को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखिए CCl H CL Cl, तब जाके आप अभिक्रिया करा पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्थ पोजीशन पर हाइड्रोजन रहेगा, ये आसानी से देखो HCl बनाएगा, बाकी इसमें आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे लिख दूंगा देखो -HCl, इस तरीके से लिखेगा क्योंकि आगे और अभिक्रिया आपको कराना है ना,
तो ये हो जाएगा देखिए इस तरीके से ओ एच, और यहां पे देखो सी एच सी एल सी एल। अब देखो के ओ एच के साथ अभिक्रिया कराओ बोला, यानी कि 2 टाइम्स के ओ एच लेंगे हम, के ओ एच ठीक है। तो यहां से देखिए ये 2 Cl 2 K के साथ क्या बना लेंगे, 2 टाइम्स KCl बना लेगा ठीक है ना। तो यहां पे लिख रहा हूं -2 टाइम्स KCl, और ये देखिए ओ एच अपने जगह पे, यहां पे देखो सी एच, ये ओ एच यहां पे इस सी एल की जगह पे, और ये अगला वाला ओ एच यहां इस तरीके से, देखो ओ एच और ओ एच है ना। तो एक कार्बन दो ओ एच रख ही नहीं पाता, तो ये क्या करेगा आगे इसको H2O के रूप में निकाल देगा बाहर ठीक है। और इससे हमको मिल जाएगा देखिए इस तरीके से -H2O ओ एच सी डबल बॉन्डेड ओ हो जाएगा H ठीक है। तो यहां पे देखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो, या इसी को बोलते हैं सैलिसाइडिहाइड, इसका नाम हो जाएगा सैलिसाइडिहाइड ठीक है। ये बनेगा, फिर इसके बाद है एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ जब क्रिया कराते हैं तब क्या होता है पांचवा। तो देखिए एसीटोन CH3C, और यहां पे देखिए इसके CH3 को ऐसे लिख रहा हूं डबल बॉन्डेड ओ ठीक है। फिर यहां पे देखो एक अणु और हमको लेना है यहां पे, तो मैं ले रहा हूं देखो ऐसे H H H C डबल बॉन्डेड O CH3 उपस्थिति रहेगा, कंसंट्रेशन CONC H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये H2O बना के बाहर निकाल लेता है और डबल बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से। देखिए CH3C ऊपर की तरफ लिख देते हैं CH3 डबल बॉन्डेड CH C डबल बॉन्डेड O CH3 इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ध्यान से इसको देखिएगा है ना, समझ नहीं आया तो दोबारा इसको प्ले करके देखिए, और भी प्लेलिस्ट में वीडियो इसके अपलोडेड हैं, चैनल पेज में भी जाके देखिए, और प्लेलिस्ट का लिस्ट मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां पे भी जाके देखिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।